किसने दिया मायावती को बड़ा ऑफर? बड़े ऑफर पर क्या रहेगा मायावती का रुख? 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर देश में भारी सियासी उठापटक जारी है। एक तरफ बीजेपी को 2024 में रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बना इंडिया गठबंधन है, जिस पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है। दोनों ही अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बीच यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी बसपा सुप्रीमो को एक बड़ा चुनावी ऑफर मिल गया है। वो ऑफर इंडिया गठबंधन में शामिल एक पार्टी ने ही उन्हें दिया है। यूपी के पूर्व सीएम और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को चुनावी ऑफर देने वाली पार्टी है कांग्रेस, और जिन्होंने मायावती को ऑफर दिया है वो हैं उसी पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो फिलहाल अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देने के लिए चर्चा में चल रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने बसपा चीफ मायावती की तारीफ की, साथ ही साथ उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दे दिया। देखिए, मायावती जी एक बहुत बड़ी नेता हैं और 18-22% वोट को प्रभावित करती हैं। इस देश में वो एक अकेली ऐसी नेता हैं जो वोट को ट्रांसफर कराने की हिम्मत और क्षमता रखती है। तो अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को सब मिलके हराना चाहते हैं, तो उसमें अगर कुमारी बहन मायावती जी को हम साथ ना लें तो ये लड़ाई ठीक नहीं हो पाएगी। मायावती जी के बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो पाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती से अपील करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं उन्हें बिल्कुल आग्रह करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं, क्योंकि बिना मायावती जी के साथ लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं हराया जा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम के मायावती पर दिए इस बयान के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि उनके इस निमंत्रण को बसपा सुप्रीमो ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, न ही उन्होंने ये बताया है कि इस पर उनका क्या सोचना है या वो क्या फैसला लेने वाली है। फिलहाल अब सबकी निगाहें मायावती के रिएक्शन पर टिकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।